नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉलर ऑक्स पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही दशहरा की भी शुरुआत हो चुकी है साथियों। और देश भर में बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि मेला, दशहरा मेला मनाया जा रहा है। नवरात्रि मेला में डांडिया रास का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, तो दशहरा मेला में 10 दिनों तक रामलीला का मजा उठाया जा सकता है। साथियों, 10 दिनों तक देश के अलग अलग जगहों पर त्यौहार का खास उत्साह देखने को मिलता है। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ की कई गलियों में आपको रामलीला का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में टॉप दशहरा मेला है, जहाँ आप अपने बच्चे, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ रामलीला देखने के अलावा खाने पीने तथा झूले झूलने का मजा उठा सकते हैं। तो आइए साथियों, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध दशहरे मेले के बारे में कुछ देखते हैं और जानते हैं। दिल्ली के लाल किले में हर साल दशहरा मेला लगता है। इसका नाम दिल्ली के टॉप 10 मेलों में शामिल होता है। यहाँ आने पर आप एक साथ दशहरा मेला देख सकते हैं। और लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आप लाल किला दशहरा मेला देखने जा सकते हैं। दिल्ली के मैदानों की रामलीला में राम चरित्र की चमक के साथ धार्मिक महोत्सव की धूम होती है साथियों। और लाल किले के मैदान में रामलीला महोत्सव मनोरंजन का आध्यात्मिक रंगमंच अपनी कला समृद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। भारत में रामलीला राम जी के सम्मान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है साथियों। रामलीला राम जी की लीला का अनुवाद करती है और बुराई पर अच्छाई की विजय की इस महाकाव्य कहानी को सिद्ध करती है। दूर दूर से श्रद्धालु इस रामलीला का आनंद लेने के लिए आते हैं, जो बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। लाल किले की रामलीला सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रामलीलाओं में से एक है। इस रामलीला का आयोजन 1924 से दशहरा के अवसर पर हो रहा है और यह तब से लोगों का मनोरंजन कर रही है। तो साथियों, आप कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, NCR से भी हो, या कहीं से भी हो, अगर आपको बेहतर रामलीला का एक्सपीरियंस करना है, बेहतर एक परिवार के साथ या दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइए एक बार के लिए। और ये झूले साथियों शाम को 4-5 बजे से ही, मतलब यहाँ पे पब्लिक आना शुरू हो जाती है और रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे ऐसे ही ये क्राउड लगा रहता है साथियों। वैसे किले के बारे में बहुत मैंने सुना है और मतलब बहुत बताया जाता है कि बहुत यहाँ पे एक जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, बॉलीवुड के कलाकार होते हैं, फिर जो फेमस स्टार्स और पॉलिटिशियंस, वो सारे यहाँ पे आते हैं साथियों। और हम स्टेज की तरफ आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है साथियों। आप देख सकते हैं कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, आपको यहाँ पे बैठने में, सीटिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। पास की व्यवस्था होती है साथियों, प्यास पास लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप वैसे भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये राम के वन जाने के बाद में जो भरत का आगमन है अयोध्या, उसका सीन दिखा रहे हैं साथियों।
और स्टेज पे अभी भरत, शत्रुघ्न और केकई अपने जो पार्ट्स हैं वो प्ले कर रहे हैं। साथियों, मैं बहुत सी रामलीलाओं में गया हूँ और बहुत टाइम से जाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कलाकारों का जो एक मंचन है, अभिनय है, जो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सजीवता और जीवटता जो दिखाई देती है कलाकार में, वो यहाँ पे मुझे इनकी आवाज़ों में और इनके अभिनय में दिखाई देती है। जो लाइटिंग है वो भी बहुत ही अमेजिंग है साथियों। पहले मैंने यहाँ पे अपने DSLR से फोटोज ली हैं और वीडियोस भी कैप्चर कर रहा हूँ, तो मुझे किसी तरीके की लाइटिंग में दिक्कत नहीं लगी। कुल मिला के एक हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रामलीला ये हम के सेट पे हम अभी बैठे हैं। ये राम जी हैं वन में, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। और मतलब इन्होंने ट्रेडिशनल जो होता है पर्दे पे एक अभिनय का वो भी रखा है, मतलब बरकरार रखा है, और साथ में जो नई चीज़ें हैं जैसे LED वॉल हो गई है चीज़ों, इन चीज़ों को भी इन्होंने समावेश किया है। तो कुल मिला के हम एक कह सकते हैं डिजिटल और प्लस मतलब जो पुराना हमारे जो ट्रेडिशनल है, सभी चीज़ों को मिक्सअप करके एक बहुत बढ़िया इन्होंने सेटअप तैयार किया है साथियों, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दोबारा आना चाहूँगा अगर मेरे को समय मिलता है तो। आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक बार के लिए आप ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ की जो रामलीला है उसको देखें और उसको रेट करें साथियों। आपको आई होप कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो रामलीला एंजॉय करने के बाद में साथियों, अब हम थोड़ा सा दूसरी जो रामलीलाएं हैं उसकी तरफ भी जाएंगे। पीछे लवकुश रामलीला है, अभी हम श्री नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी जो है वहाँ पे आए थे, नवश्री धार्मिक रामलीला, और अब हम लवकुश रामलीला की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी मतलब अलग अलग से पंडाल बनाए हुए साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी सारी झूले हैं और स्टॉल्स हैं और जो भी फन एक्टिविटी हो गई और बलून्स वगैरह जो निशाना लगाने का कल्चरल एक्टिविटी, भूत बंगला, रेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हर एक पंडालों में लगभग मिल जाएंगी। ये सामने बिरला मंदिर है और ये इधर हमारा ये लाल किला है। तो आई होप साथियों आपको ये व्यू यहाँ का जो है अच्छा लगा होगा और आप लोग अपना ट्रिप जरूर प्लान करेंगे यहाँ पे, इसको एंजॉय करेंगे रामलीला को और यहाँ के मेले को।
चलना बेटा। तो फिर मिलते हैं साथियों जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए एडवेंचर और नए प्लेस के साथ में। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्कार।